तो मेरी बैच जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन बैच के मेंबर्स जा रहे हैं हमारे तो, लेकिन बारिश चालू हो गई है, बैच जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन बारिश चालू होने की वजह से मैं रुक गई हूँ, क्योंकि ये सब यहीं पे रहते हैं, यानी आजू बाजू में ही रहते हैं, मैं बहुत दूर से आती हूँ, तो इस वजह से मैं रुक गई हूँ, क्योंकि मैं मुझे कॉलेज में भी जाना है आज, मेरे कॉलेज में जहाँ से मैं लॉ कर रही थी, तो वहाँ पे, क्योंकि मेरा आज मैं बनाने वाली हूँ मखनी दाल, तो उसके लिए मैंने राजमा और मसूर की दाल जो है मिक्स दाल भिगो के रख दी थी रात भर, और अब इसमें सोडा और नमक डाल के मैं कुकर में कुक करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुकर में मैंने दाल रख दी है, इसमें थोड़ा सा सोडा जो है वो ऐड करती हूँ। इससे क्या होगा, दाल जो है वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। और सॉल्ट, इतना सॉल्ट ठीक है, मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे दही बड़े के लिए मिश्रण जो है वो बनाया है। तो पहले मैं दही बड़ा जो है वो बनाने वाली थी, लेकिन रुचा बोली कि मुझे बड़ा नहीं खाना है, ऑयली स्पाइसी नहीं खाना है, तो अभी उसी बैटर का मैं डोसा बनाऊंगी। तो ये है मूंग दाल और उड़द दाल जो है वो मैंने मिक्स करके रखी थी, तो इसमें मैंने नमक डाला, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बैटर जो है ये कुछ इस तरीके से बन चुका है, तो आप इसका डोसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं डोसा ही बनाऊंगी, अभी तवे पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ। देखो इस तरीके से डोसा जो है वो बन चुका है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से डोसा जो है वो बन चुका है, और इसमें इसके साथ मैंने पुदीना की चटनी और सॉस इस तरीके से खा रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है ये हर ग्रीन चटनी इसके साथ। हाय एवरीवन, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी मैं एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आ चुका है, इस तरीके की बॉक्स में आया है। ये मैंने मीशो ऐप से ऑर्डर किया था, खुद के लिए ही ऑर्डर किया है। तो ये वॉच कुछ इस तरीके से है, ये एज अ फ़ोन
करके ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे मैसेजेस जो है वो चेक कर रही थी, आप देख सकते हैं। तो ये अभी स्विगी का मैसेज मेरे पास आया है, 50% डिस्काउंट है उनके फर्स्ट ऑर्डर पे। देन देखिए ये काया का एक मैसेज आया है, काया स्किन क्लिनिक का ये एक मैसेज है। तो फिर ये देखिए, तो इसमें और भी सारे फीचर्स है, तो अभी मैं बैक जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें ब्लूटूथ है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन, फिर कॉल अलर्ट्स है, यानी आपको इनकमिंग आउटगोइंग जो फ़ोन आएंगे तो उसका कॉल अलर्ट है। फिर यहाँ पे आप मैसेजेस देख सकते हैं, फिर यहाँ पे व्हाट्सएप भी है, यानी व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब ऐप्स इसके अंदर है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आप जो वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं वो कितना रनिंग आपने किया है वो आप देख सकते हैं। फिर कैमरा भी है, मैंने इससे कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं तो मैं दिखाती हूँ, जो थोड़े बहुत क्लिक किए हैं वो दिखाती हूँ आपको, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा अभी। और ऑडियो प्लेयर भी है इसमें, यानी आप अपने सॉन्ग्स फीड करके इससे प्ले कर सकते हैं। और अलार्म भी है, फाइल मैनेजर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है मेमोरी कार्ड, तो ये आप ओपन करेंगे तो आपके सब फाइल्स इसमें आपको दिखेंगे, जो आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं फोटोज़ पे क्लिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी इमेजेस है जो मैंने अभी क्लिक की थी, ये देखिए। तो इसमें आप फ़ोटोज़ को भी देख सकते हैं क्लिक करके, और ये है इसका मेन स्क्रीन जहाँ पे आपको टाइम दिखेगा। तो अभी शाम के 6:45 हो गए हैं, तो ये अभी दिखेगा। और यहाँ पे आप मेनू, जैसे आप फ़ोन पे दिखता है ना मेनू है, और ये स्क्रीन आएगा। फिर इस तरीके से टच स्क्रीन है, तो कैलकुलेटर भी है इसके अंदर, तो आप इमरजेंसी में कोई कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो इसके अंदर कैलकुलेटर भी है। तो बहुत बार मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है, तो कोई अगर रास्ते में, मैं जैसे ऑनलाइन सेल करती हूँ मालूम है, तो पर्सन मिलता है और
उनकी जो ऑर्डर है उनका कैलकुलेशन मुझे करना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये कैलकुलेटर इसमें से बहुत काम आएगा मुझे, क्योंकि हाथ में ही रहेगा तो कैलकुलेटर ऑपरेट कर सकती हूँ मैं। और इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि आपका फ़ोन, जो दूसरा फ़ोन है वो आप कहीं रहा है, तो ये जो है ये फ़ोन आपको बता देगा कि आपका फ़ोन जो है वो कहीं पे तो मिस है या आपके साथ नहीं है, ये आपको ये वॉच बता देगा। तो अलार्म भी है इसमें, ब्लूटूथ भी है, लेकिन इसमें से कुछ फीचर्स जो है वो ऑपरेट हो नहीं रहे, जैसे कि अभी व्हाट्सएप में देख रही हूँ, तो ये प्लीज़ वेट करके आ रहा है, शायद से रेंज कम है मेरे यहाँ। ये देखिए फेसबुक भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, और ये है सेडेंट्री रिमाइंडर। तो सेडेंट्री रिमाइंडर ही आपको टाइम वगैरह जो है कुछ टाइम अपने प्लान किया है तो उसके लिए ये रिमाइंड करेगा आपको। तो ये मैंने मीशो ऐप से ऑर्डर किया था और बहुत ही अच्छा, इससे मैं फ़ोन भी कर सकती हूँ। तो मैं आपको एक फ़ोन मेरे फ़ोन पे लगा के दिखाती हूँ, जैसे कि ये है घड़ी। अभी आपको यहाँ पे जाना है या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, तो मैं अभी मेरा फ़ोन डायल करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलिंग को लगाया है अभी। अभी जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो उसी फ़ोन से फ़ोन पे मैंने कॉल किया था, इस वजह से मैं पिकअप नहीं कर और आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन फ़ोन तो लग चुका था। तो आपको एक रिंग सुनाई देती है, मैं दिखाती हूँ वो फिर से एक बार। तो अभी मैं क्या करती हूँ, वॉल्यूम जो है वो लाउड करती हूँ, फिर इसमें फ़ोन बुक भी है, यानी आपको जाना है रेगुलर, जैसे आप फ़ोन पे किसी का नंबर सेव करते हैं तो उसी तरीके से आप इस पे नंबर, किसी जो आपको इमरजेंसी नंबर्स वगैरह लगते हैं उनके नंबर्स इस पे ऐड कर दीजिए और आप फ़ोन बुक यानी स्टोर कर सकते हैं। ट्विटर भी है, लेकिन इसमें ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप मेरे फ़ोन पे, मेरे घड़ी पे तो भी चल नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ पे रेंज कम है या अभी बारिश है, क्या मालूम, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे प्लीज़ वेट करके दिखा रहा है, या फेसबुक पे भी ये प्लीज़ वेट करके दिखा रहा है। तो इसमें मेमोरी कार्ड भी है, यानी स्टोर करने की जगह। तो आपको अगर कुछ सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो इस पे, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ऑडियो प्लेयर दिखेगा, तो आपके मेमोरी कार्ड में जो कुछ सॉन्ग्स होंगे वो यहाँ पे प्ले हो जाएंगे। लेकिन मेरे मेमोरी कार्ड में अभी कुछ सॉन्ग नहीं है, मैंने मेमोरी कार्ड डाला है इसमें लेकिन मेमोरी कार्ड में सॉन्ग्स नहीं है, अदरवाइज़ ये प्ले करने के बाद मेमोरी कार्ड से
कार्ड के जो सॉन्ग्स है वो इसमें प्ले हो जाएंगे। स्लीप मॉनिटर भी है, यानी आप कितने टाइम्स सो रहे थे ये भी दिखाएगा ये स्लीप मॉनिटर। एंड पिडोमीटर, पिडोमीटर यानी आप कितना टाइम वॉक किया आपने वो दिखाएगा वो। तो मैं इसका और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब मैं इसको यूज करूँगी तो और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे सकती हूँ। अभी तो शुरुआत हुई है तो जितना मैं यूज करूँगी उतना मैं बता सकती हूँ इस वॉच के बारे में आप लोगों को। लेकिन फ़ोन का तो अच्छा खासा आवाज़ आता है फ़ोन से, फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम नहीं, यानी वॉइस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सुनाई देता है सामने वाले को भी और ख़ुद को भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है। और बाकी सब फीचर्स भी है, मैसेजेस, मैसेज अलर्ट है, यानी मैसेज आया तो इमीडिएटली ये बता देता है कि मैसेज आया है करके। अभी ये पेडोमीटर वगैरह जो एक्टिविटीज़ है इसके अंदर वो मैं जब मैं इसे ज़्यादा यूज़ करूँगी तो आपको बता सकती हूँ, अभी अभी तो नहीं बता सकती क्योंकि अभी आया है मेरे पास जस्ट। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज दी है लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। 700 इसकी प्राइस है मीशो ऐप पे। तो किसी ने मुझे पूछा था कि ये वॉच मुझे भी लेना है करके, तो इसकी 700 रुपीज़ प्राइस है। अगर चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं मीशो ऐप के थ्रू, और मैं लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की है इस घड़ी के बारे में, दिखने में भी स्टाइल। तो मीशो ऐप ये एक ऐसा ऐप है जहाँ से आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आपको किसी को कुछ प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो उनके साथ जस्ट व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन जो है या फ़ोटोज़ जो है वो सेंड करने हैं, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है आपको। वो व्हाट्सएप के थ्रू ही ये बिज़नेस होगा। तो बस यही है। तो मीशो ऐप से मैंने लाई हुई ये फर्स्ट शॉपिंग है मेरी और मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो परचेस कर लीजिए। आप प्ले स्टोर में जाके मीशो ऐप देखिए और वहाँ पे आपको इमीडिएटली दिखेगा ये शॉप, सॉरी ये वॉच, तो शॉप कर लीजिए। तो बस यही है आज का वीडियो अबाउट दिस स्मार्ट वॉच रिव्यू। मुझे इतना ही मालूम है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है बाद में फिर से जब मैं यूज़ करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको दे दूँगी। मिलती हूँ आपको कल विथ अ न्यू वीडियो। बाय बाय।